जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के जो प्रकाश पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन करा रहे हैं, तीन पार्ट में आप लोग 40-40 क्वेश्चन करते हुए 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो। आज 121वें पर से शुरुआत करते हुए 160 तक जाएंगे, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 121 121वां क्वेश्चन है, सी स्टूप्स टू कॉन्क्यू, इसके आपको राइटर बताने हैं। सी स्टूप्स STOOPS सी स्टूप्स टू कॉन्क्यू, ये रचना लिखी है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। किसने लिखी है, इसके राइटर कौन है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये किसने रचना लिखी है, 122वें में पूछ रहा है। द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये रचना द स्कूल फॉर स्कैंडल शेरिडन के द्वारा लिखी गई। शेरिडन और गोल्ड स्मिथ, ये पिछले हमने उसमें बताया था कि 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में इन्होंने कमेडी ऑफ मैनर्स को पुनः जीवित किया था। तो स्कूल फॉर स्कैंडल रचना ये शेरिडन ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेफ रोड एंड पीपा पासेस, ये पोएटिक प्लेज हैं। स्टेफ रोड STAFFROD स्टेफ रोड और पीपा पासेस, तो ये पोएटिक प्लेज हैं। कौन कौन, स्टेफ रोड और पीपा पासेस, PIPPA पीपा पासेस, PASSES पीपा पासेस, ये दो पोएटिक प्लेज हैं। इनको किसने लिखा है, तो इसके राइटर जो हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। ध्यान रखिएगा, स्टेफ रोड और पीपा पासेस ये दोनों ही नाटक लिखे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। अगला 124वां क्वेश्चन है, रैबी बेन एजरा माई लास्ट डचेस पोरफीरियाज लवर इविलिन होप फ्रा लिपो लिपी, ये चार रचनाएं। कौन कौन, रैबी बेन एजरा माई लास्ट डचेस पोरफीरियाज लवर और इविलिन होप और फ्रा लिपो लिपी, पांच रचनाएं। रैबी बेन एजरा माई लास्ट डचेस पोरफीरियाज लवर इविलिन होप और फ्रा लिपो LIPPO लिपो लिपी LIPPI, ये पांचों रचनाएं फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ध्यान दें, रैबी बेन एजरा माई लास्ट डचेस पोरफीरियाज लवर एविलिन होप और फ्रा लिपो लिपी, ये पांचों प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। बताना तुम्हें है कि ये लिखा किसने है पांचों को, तो पांचों के जो लेखक हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। किसने लिखा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। अगली एक और रचना है, लिव्ज ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, बहुत ही फेमस रचना है। लिव्ज LIVES लिव्ज ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, अंग्रेजी कवियों का निवास, तो ये किसने लिखी है, तो ये लिखा गया है सैमुअल जॉनसन के द्वारा। 126वां क्वेश्चन, जॉन बनियान रोट एन ऑटोबायोग्राफी आइडेंटिफाई, मतलब जॉन बनियान ने जो अपना आत्म कथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो उस जॉन बनियान की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है। तो जॉन बनियान की ऑटोबायोग्राफी का नाम है ग्रेस अबाउंडिंग, क्या है, ग्रेस अबाउंडिंग। 127वां क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछ रहा है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ये एक रचना है,
एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी पी ओ ई एस वाई एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी ये किसने लिखा है तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी पी ओ ई एस वाई पोएजी ये लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा। 128वां क्वेश्चन ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 6 आइम्बिक फीट और 12 सिलेबल्स आइम्बिक लाइंस इज नोन एज मतलब जिसमें 6 आइम्बिक फीट होते हैं 12 सिलेबल्स होते हैं आइम्बिक तो ये किस नाम से जाना जाता है तो उसे अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं अलेक्जेंड्राइन A L E X A N D R I N E अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। 6 आइम्बिक फीट 12 सिलेबल्स आइम्बिक लाइन होती है ऐसी रचना को ऐसी कविता को अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। स्पेंसियर में 9 फीट होते हैं 9 लाइनें होती हैं। अगला क्वेश्चन है एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज ए सेकेंड मीनिंग अलोंग विद इट्स सरफेस स्टोरी इज नोन एज मतलब एक ऐसी नैरेटिव कृति जो दिखाता कुछ और है उसका अर्थ कुछ दूसरा होता है। सेकेंड मीनिंग अलोंग विद इट्स सरफेस स्टोरी जो कहानी होती है उसका अर्थ वो नहीं होता है सेकेंड मीनिंग दूसरा होता है। तो ऐसी एक्सटेंडेड नैरेटिव जो है ऐसा वर्णन जो है कहानी कुछ और है उसका अर्थ कुछ और हो ऐसी रचना को क्या कहा जाता है तो ऐसी रचना को एलिगोरी कहा जाता है ए डबल एल ई जी ओ आर वाई एलिगोरी। 130वां है बनियान्स पिलग्रिम प्रोग्रेस। बनियान साहब ने एक रचना लिखी है पिलग्रिम प्रोग्रेस तो ये क्या है तो पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है ये एलिगोरी है। स्पेंसर ने भी एक एलिगोरी लिखी है फेरी क्यूल बहुत फेमस है फेरी क्यूल स्पेंसर साहब ने स्पेंसियर स्टेंजा में इसे लिखा है फेरी क्यूल को। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन क्या है ये तो रिवर्सल ऑफ सिचुएशन ये परपेटिका है क्या है परपेटिया पीई आर पीई टीई आई ए परपेटिया है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। 133वां क्वेश्चन नंबर 133वां एनाग्नोरिसिस इज ए टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू मीन मतलब अरस्तु के द्वारा एक टर्म यूज किया गया एनाग्नोरिसिस ए एन ए जी एन ओ आर आई एस आई एस एनाग्नोरिसिस एक टर्म यूज किया गया एरिस्टोटल के द्वारा तो अरस्तु के द्वारा जो ये एनाग्नोरिसिस टर्म यूज किया गया तो इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है रिकॉग्निशन या डिस्कवरी। क्या अर्थ होता है एनाग्नोरिसिस का रिकॉग्निशन और डिस्कवरी। 134वां क्वेश्चन है ए टर्म यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉसेस इज मतलब एक ऐसा टर्म जो शब्द के रिपीटिशन के लिए यूज किया जाता है या फ्रेज के लिए रिपीटिशन के लिए यूज किया जाता हो और ये सक्सेसिव क्लॉज की शुरुआत की तरह यूज किया जाता है। इसमें शब्द या फ्रेज रिपीट होते हैं और सक्सेसिव क्लॉज की बिगनिंग के तौर पर यूज किया जाता है और ऐसे टर्म को क्या कहते हैं तो इस टर्म को कहते हैं एनाफोरा। क्या कहते हैं एनाफोरा ये टर्म जो है ये वर्ड और फ्रेज को रिपीट किया जाता है और बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव की तरह इसे कहते हैं एनाफोरा। 135वां क्वेश्चन ए शॉर्ट फिति इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज मतलब एक शॉर्ट फिति ए शॉर्ट पिथि पी आई टी एच वाई ए शॉर्ट पिथि इंस्ट्रक्टिव को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है एबोरिज। क्या कहा जाता है एबोरिज द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड और
obsolete word, idiom or form is. मतलब एक ऐसा टर्म जो प्रयोग किया जाता है पुराने प्रयोग के लिए, एक टर्म जो पुराने प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है या अप्रचलित शब्दों के को प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब पुराने और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग के लिए जिस टर्म को प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्केजम या आर्केजम कहते हैं। मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें पुराने अप्रचलित शब्द आइडियम यूज किए जाते हैं इस टर्म को कहते हैं आर्केजम, ARCHAISM, आर्केजम, है ना। अगला है एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न इज नोन। मतलब एक ओरिजिनल मॉडल, किसी वस्तु पर एक ओरिजिनल मॉडल, किसी भी चीज पर एक ओरिजिनल मॉडल पैटर्न किया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है आर्केटाइप, ARCHETYPE, आर्केटाइप जाना जाता है। एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न इज नोन, आर्केटाइप। अगला क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर आर्टिस्ट्स और राइटर्स हुज आइडियाज आर अहेड ऑफ देयर टाइम और ए न्यू राइटिंग शोविंग इनोवेशन इन स्टाइल एंड मैटर। बहुत बढ़िया टर्म है। तो ऐसा टर्म, ध्यान दें, ऐसा टर्म जो कलाकारों के लिए या लेखकों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उन कलाकारों और लेखकों के जिनमें विचार जो हैं पीछे रखे जाते हैं। मतलब जिस समय में वो लिख रहे हैं रचना, समय के समय से पीछे उनके विचार होते हैं। या आप ये कह लो जो नई नई लिखावटें होती हैं, जो नया युग चल रहा है, उस नई राइटिंग से वो पीछे का लिखते हैं और ये दिखाते हैं इनोवेशन। मतलब विचार तो पीछे के होंगे लेकिन नयापन दिखाते हैं किसमें? शैली और मैटर में, स्टाइल और मैनर में वो इनोवेशन दिखाएंगे लेकिन विचार उनके लेखक और आर्टिस्ट के पीछे के होंगे, मतलब उनके जमाने के नहीं होंगे। तो ऐसे टर्म को क्या कहते हैं? ऐसे टर्म को कहते हैं अवंत गैरट, GARDE, अवंत गैरट। मतलब एक ऐसा टर्म जो कलाकारों और लेखकों के द्वारा यूज किया जाता है और उनके विचार उनके समय के पीछे के होते हैं और नई लेखनी होती है एक तरीके से समझ लो, और स्टाइल और मैनर में वो अपने को नयापन दिखाते हैं, तो इसे कहते हैं अवंट गायरेट। अगला है चेवी चेस, नट ब्राउन्स मैट। मतलब एक रचना है चेवी चेस, नट ब्राउन की है एक मैट, कॉलरिज की एक रचना है दी एंशिएंट मैरिनर, कीट्स की एक रचना है ला बेली डेमसंस मर्सी, सर वाल्टर स्कॉट की है दी ले ऑफ दी लास्ट मिनिस्ट्रेल, अभी हमने देखा था, और काउपर की एक रचना है जॉन गिलपिन। ये सारी रचनाएं क्या हैं? एपिक हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं कि बैलेट? फिर एक बार ध्यान दें, चेवी चेस, नट ब्राउन की मेड, MAID मेड रचना, कॉलरी साहब की दी एंशिएंट मैरिनर, कीट्स साहब की ला वेली डेमसंस मर्सी, सर वाल्टर स्कॉट की दी ले ऑफ दी लास्ट मिनिस्ट्रेल, और काउपर साहब की जॉन गिलपिन। ये रचना सारी हैं बैलेट्स। 140वां क्वेश्चन, दी आइम्बिक पेंटामीटर, इसमें 5 फीट होते हैं, अनराइम्ड फॉर्म इज नोन। मतलब आइम्बिक पेंटामीटर अगर है और उसके लय नहीं मिल रही है लास्ट के, उसकी
लास्ट के वर्ड की, तो वो क्या कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा ब्लॉन्क वर्स, मतलब आइंबिक पेंटामीटर हो और लय ना मिले तब वो कहा जाएगा ब्लैंक वर्स। बहुत समझने वाली बात है, फ्री वर्स नहीं कहा जाएगा, वर्स लीवर भी नहीं कहा जाएगा, पॉइंट वर्स भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वर्स लीवर और फ्री वर्स तो हम तुम्हें बता चुके हैं जिसकी लय भी ना मिले और मीटर भी ना कंट्रोल में हो। लेकिन ब्लैंक वर्स उसी को कहा जाएगा जिसकी लय ना मिले लेकिन आइम्बिक पेंटामीटर में वो रचना हो। 141वां क्वेश्चन, the term used for a break or a pause in the middle or a verse line or a kind of pause a break in a line of verse, मतलब एक ऐसा टर्म जो रुकाव के लिए कविता के बीच की लाइन है, मतलब कविता की लाइन के मध्य में रुकाव के लिए टर्म यूज किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कौसुरा, सी ए एस यू आर ए, एक ऐसा टर्म जो रुकाव या ठहराव के लिए कविता की लाइन के मध्य में प्रयोग किया जाता है या किसी कविता की लाइन में ठहराव के लिए प्रयोग किया जाता है टर्म, तो उसे कहते हैं कौसुरा, सी ए एस यू आर ए। अगला है, दी टर्म क्रिटिसिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस व्हिच मींस, मतलब जो क्रिटिसिज्म जो टर्म आया, क्रिटिसिज्म अरस्तु ड्राइडन इंग्लिश में, तो ये क्रिटिसिज्म जो शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के क्रिटिकोस से आया, के आर आई टी आई के ओ एस, क्रिटिकोस से आया। इसका क्या अर्थ होता है? तो क्रिटिकोस का अर्थ होता है एबल टू डिस्कर एंड जज, इसका अर्थ होता है न्याय करने के, डिसर्न करने के, डिसर्न करने के योग्य होना, एबल टू डिस्कर्न एंड जज। 143वां क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ पोएट्री हैज समथिंग ऑफ उबी संट मोटिफ, उबी संट मोटिफ का अर्थ होता है वेयर आर दे, और ये जो है भूतकाल की बीती हुई बातों के लिए याद किया जाता है। तो ऐसी कविता का प्रकार जिसमें ये उबी संट मोटिफ पर रिलेटेड होती है, यानी फार्मूला वेयर आर दे पर, वे कहां हैं इस फार्मूले पर, और ये ग्रीक शब्द होता है उबी संट मोटिफ, इसी का फार्मूला है वेयर आर दे, तो इस फार्मूले पर वे कहां हैं, इस फार्मूले पर जो रचनाएं होती हैं इसमें भूत के बारे में, भूतकाल के बारे में विलाप किया जाता है, तो ऐसी इस प्रकार की पोएट्री को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की पोएट्री को एलेजी कहते हैं। स्पेंसर की एस्ट्रोफेल जो है एलेजी, वो किसकी मृत पर लिखी गई है? तो अभी हमने बताया था स्पेंसर की एस्ट्रोफेल जो है वो फिलिप सिडने की मृत पर लिखी गई है। 145वां क्वेश्चन, सेकेंडरी एपिक इज नोन, मतलब सेकेंडरी एपिक जाना जाता है किसे? लीजेंडरी एपिक, सेकेंडरी एपिक जो है लीजेंडरी एपिक को जाना जाता है, ना ही नॉवेल को, ना ही फिल्मी एपिक को, ना ही बैलेट को, सेकेंडरी एपिक जो है लीजेंडरी एपिक को जाना जाता है। 146वां क्वेश्चन, दी महाभारत एंड दी रामायण आर दी, महाभारत और रामायण क्या है? आप सभी जानते हैं ये एक एपिक है। 147वां क्वेश्चन, हु रोट हाइपेरियन आफ्टर ए केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, मतलब हाइपेरियन किसने लिखा, मतलब पैराडाइज लॉस्ट को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में हाइपेरियन किसने लिखा? अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं हाइपेरियन कीट्स साहब की रचना है, किसकी है? कीट्स साहब की रचना है। 148वां क्वेश्चन है, सोहराब एंड रुस्तम ये किसकी रचना है? तो सोहराब एंड रुस्तम जो है ये मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना है, किसकी है? मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना है। टेनिसन टू 40 इयर्स टू राइट, टेनिसन साहब ने कौन सी कृत लिखने में 40 साल लगा दिए? वाह, 40 साल में इस पुस्तक को लिख पाए जिसका नाम है आइडल्स ऑफ द किंग, क्या है? आइडल्स ऑफ द किंग। 150वां क्वेश्चन, नो प्लीजेंट इमेज ऑफ ट्रीज ऑफ सी और स्काई, नो
colors of green fields, but huge and mighty forms that do not live like living men. No pleasant images of trees, of sea or sky. मतलब कोई भी सुहावनी तस्वीर नहीं है न वृक्षों की, न सागरों की, न आकाश की, और ना ही कलर्स है हरे हरे खेतों का, लेकिन ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स, लेकिन ऊंचे ऊंचे और बलवान रूप है किसके? डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन. ऊंचे ऊंचे और बलवान फॉर्म, बलवान बड़ी मजबूत बिल्डिंगें तो दिखती है जिनमें जिंदा लोग जीवित नहीं रहते. डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन मतलब जो जीवित लोगों के लिए जीवित जैसे नहीं है. अब ये लाइनें कहां से आई है? बहुत ही अच्छा लिखा है. ना तो कोई सुहावनी तस्वीर है वृक्षों की, ना सागरों की, ना आकाश की, और ना ही कोई कलर स्क्रीन फील्ड का है. लंबे और मजबूत फॉर्म तो दिखते हैं जिनमें डू नॉट लिव जीने नहीं चाहिए, जी नहीं सकते लाइक लिविंग मैन जिंदा जीवित व्यक्ति जिसमें जीते नहीं है. तो ये लाइनें हैं वर्ड्सवर्थ की जो रचना एक है दी प्रील्यूड बुक फर्स्ट से ये आई है लाइनें. दी प्रील्यूड बुक फर्स्ट विच इज दी एंग्लो सैक्सन एपिक मतलब एक जो काल है पीरियड है एंग्लो सैक्सन एपिक. तो एंग्लो सैक्सन एपिक के दौरान जो एंग्लो सैक्सन पीरियड के दौरान एपिक है वो कौन सा है? वो है बीओल्फ, BEOWULF, बीओल्फ एपिक है एंग्लो सैक्सन के दौरान. ना ही पैराडाइज लॉस्ट है, ना ही फेरी क्यून है, ना ही किंग आर्थर है. एंग्लो सैक्सन पीरियड का अगर कोई एपिक है तो वो है बीओल्फ. 192वां क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर शॉर्ट परफॉर्मेंस आफ्टर फर्सिकल यूजली सैंडविच्ड बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए लॉन्ग प्ले मतलब एक ऐसा टर्म जो एक छोटा परफॉर्मेंस होता है और मजाक टाइप का होता है, एक तरीके से सैंडविच होता है, जुड़ता हुआ होता है एक लंबा प्ले उनके दो मतलब एक लंबा प्ले है उसके दो एक्टों को जुड़ता हुआ होता है ताकि लोग बोर ना हो, और छोटा सा परफॉर्मेंस होता है और हंसी मजाक का होता है. तो इस टर्म को क्या कहते हैं? तो इस टर्म को कहते हैं इंटरल्यूड. क्या कहते हैं? इंटरल्यूड. अगला क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथे ये जो है ये एक लेक पोएट्स है. क्या है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे साहब जो है एक लेक पोएट्स है. 154वां क्वेश्चन है, द रिडिक्यूलस मिसयूज ऑफ ए वर्ड इज मतलब एक शब्द का रिडिक्यूलस मिसयूज क्या कहलाता है? देवदत्ता अनुप्रयोग एक शब्द का कहलाता है मालाप्रोपीज. मालाप्रोपीज MALAPROPISM ए रिडिक्यूलस मिसयूज ऑफ ए वर्ड मालाप्रोपीज कहलाता है. 155वां क्वेश्चन है, द टर्म मालाप्रोपीज इज डिराइव्ड फ्रॉम मिसेस मालाप्रोप मतलब जो मालाप्रोपीज टर्म अभी हमने बताया है एक ऐसे शब्द का मिसयूज रिडिक्यूलस मिसयूज. तो ये एक टर्म है मतलब इस शब्दों का रिडिक्यूलस मिसयूज क्या कहलाता है? मालाप्रोपीज. आप पूछ रहा है कि जो टर्म है मालाप्रोपीज ये जो है मिसेस मालाप्रोप से डिराइव किया गया है. तो मालाप्रोप जो है मिसेस मालाप्रोप जो है किस रचना में है? तो मिस मालाप्रोप जो है शेरिडन की दी रिवाइल्स रचना में. अभी नहीं हमने पढ़ाई थी दी राइवल्स, RIVALS, राइवल्स किसकी रचना है? तो शेरिवंस की रचना है. तो शेरिडन की रचना जो है दी राइवल्स उसी से ये मिसेस मालाप्रोप जो है उन्हीं से ये टर्म मालाप्रोपिज्म लिया गया है. और मालाप्रोपिज्म होता क्या है? ए रिडिक्यूलस मिसयूज ऑफ ए वर्ड. क्वेश्चन नंबर 156वां, ये निगेटिव कैबिलिटी का टर्म किसने दिया? तो निगेटिव कैबिलिटी का टर्म जो है कीट्स साहब ने दिया. एक टर्म है नोवेल जो शब्द नोवेला से लिया गया है. एक नोवेल शब्द जो नोवेला से लिया गया है. तो नोवेला का कैसा शब्द है? नोवेला NOVELLA. तो नोवेल उपन्यास जो है उपन्यास जो शब्द है नोवेल हिंदी अर्थ उपन्यास होता है. जो नोवेल जो है नोवेला से लिया गया है
और ये एक इटालियन शब्द है। कैसा है? इटालियन शब्द। एक रचना आती है द विकार ऑफ वेकफील्ड, एक रचना आती है द विकार ऑफ वेकफील्ड। तो विकार ऑफ वेकफील्ड जो है ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी है, इसके लेखक पूछ रहा है। द विकार ऑफ VICAR, विकार ऑफ वेकफील्ड, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी है। 159वां क्वेश्चन है। मैच दी फॉलोइंग, मतलब चार रचनाएं दी गई हैं और उसके चार लेखक दिए गए हैं, तो इसमें मैच कीजिएगा। तो मैच हम किए दे रहे हैं, जो रचना टू दी लाइट हाउस दी गई है ये लिखी है वर्जीनिया वुल्फ ने। टू दी लाइट हाउस रचना जो है ये लिखी है वर्जीनिया वुल्फ ने। यूलाइसिस आप लोग सभी जानते हैं, यूलाइसिस रचना जो है वो लिखी है, यूलाइसिस जो रचना है वो जेम्स जॉयसी ने लिखी है। ए पैसेज टू इंडिया ई एम फॉरेस्टर ने लिखी है, ए पैसेज टू इंडिया ई एम फॉरेस्टर ने लिखी है। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज बहुत फेमस रचना है, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज BONDAGE, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज जो है ये समरसेट मॉघम ने लिखी है, समरसेट मॉघम ने लिखी है। फिर एक बार देख ले, टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ, यूलाइसिस ULYSSES, यूलाइसिस जेम्स जॉयस, एफएसएस टू इंडिया EM फॉरस्टर, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज समरसेट मॉघम। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये भी मैच करने को है, दी वेव्स किसने लिखा है? तो दी वेव्स WAVES वेव लिखा है अल्डस हक्सले। और पोर्ट्रेट ऑफ दी आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, पोर्ट्रेट ऑफ दी आर्टिस्ट एज ए यंग मैन ये लिखा है जेम्स जॉयस ने। केक्ज एंड एल जो है ये समरसेट मॉघम ने लिखा है। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये एल्डस हक्सले ने लिखा है। फिर एक बार देख लें, जो दी वेव जो है ये वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन ये लिखा है जेम्स जॉयस ने, केक्ज एंड एल ये लिखा है समरसेट मॉघम ने, ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये लिखा है एल्डस हक्सले ने। तो इस तरीके से 160 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्रकाश प्रकाश।